नमस्कार दोस्तों, आजकल कॉमनली देखा जा रहा है कि समाज में ऐसे एलिमेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं जो दूसरे को थ्रेट करके यानी दूसरे को धमकी देकर डरा के इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे एलिमेंट्स को बढ़ाने में हम ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं जो लोग इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, क्योंकि आज यदि आप अत्याचार सहेंगे तो वो आपको तो एक्सटॉर्ट करके जाएगा ही सही, थ्रेटन करके आपका तो हरासमेंट करके जाएगा ही सही, बल्कि ऐसे व्यक्ति के जो मनोवृत्ति है वो और बढ़ जाएगी। ही विल इट विल इनकरेज हिम, और ये उसको और प्रोत्साहित करेगी। वो अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार से एंटी सोशल लोग जो रहते हैं वो परेशान करते हैं। तो दिक्कत ये है कि अनेक लोग कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ने की वजह से कोई एक्शन नहीं लेते, और एक्शन नहीं लेने की वजह से वो ऐसे लोगों की धमकियां सहते हैं या ऐसे लोगों द्वारा किए जाने वाले हरासमेंट को सहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आज का वीडियो लेक्चर डेडिकेटेड है ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग हैरास हो रहे हैं और जो लोग कोई आगे बढ़कर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और ये एक्शन लेने से न सिर्फ आपकी स्वयं की सुरक्षा होगी बल्कि समाज की भी सुरक्षा होगी। आजकल समाज में ऐसे एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं जो अन्य व्यक्ति की मेहनत की कमाई, अन्य व्यक्ति को हैरास तंग परेशान करके उनकी प्रॉपर्टीज, उनके पैसे को हड़पना चाहते हैं। और दिक्कत ये होती है कि व्यक्ति उनसे जूझता नहीं है, लड़ता नहीं है, और दिक्कत ये भी है कि उनको अनेक कानूनी प्रावधान नहीं पता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर है इसलिए कि व्हाट टू डू व्हेन समवन इज थ्रेटनिंग यू। यदि कोई व्यक्ति आपको धमका रहा है, डरा रहा है, तो आपके पास क्या लीगल स्टेप्स हैं उसको समझने के लिए आज का एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है। पिछले कुछ दिनों से मुझे क्लाइंट्स के माध्यम से पता चल रहा है कि इस प्रकार की एक्टिविटीज बहुत हो रही है, और बड़े आश्चर्य की बात होती है कि अनेक लोग जो हैं वो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को सहते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। आइए समझते हैं, यदि कोई धमकी दे अथवा डराए तो क्या करें। वॉट टू डू वेन समवन थ्रेटन्स यू, हमें क्या करना चाहिए यदि कोई व्यक्ति हमें थ्रेटन कर रहा है। तो एज वी नो दैट इट इज नाउ अ डेज कॉमन प्रॉब्लम, एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई, एक प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बिकॉज देर आर सो मेनी एंटी सोशल एलिमेंट्स आर लिविंग इन दिस सोसाइटी। आप सभी को पता है समाज में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे की प्रॉपर्टीज और दूसरे के पैसों में नजर डालते हैं। तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट जो होते हैं वो अलग अलग तरीकों से व्यक्ति को थ्रेटन करते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज यानी कुछ इलीगल एक्टिविटीज करने लग जाते हैं। तो थ्रेटनिंग कॉमन है, जिसमें से सबसे पहला ही स्टेप होता है थ्रेटनिंग, मतलब डर डर देना, भय देना, डराना, धमकाना। ये थ्रेटनिंग किलिंग के लिए भी हो सकती है, मतलब मारने की धमकी दी जाने भी हो सकती है, हर्ट यानी चोट पहुंचाने की भी धमकी हो सकती है, डिफेम मतलब किसी व्यक्ति को उसकी मान हानि करना, इंसल्ट करने की भी धमकी हो सकती है, किसी व्यक्ति की डिग्निटी मतलब गरिमा को हानि पहुंचाने की धमकी भी हो सकती है। और यह धमकी सिर्फ आपको स्वयं को ही नहीं, आपसे कनेक्टेड किसी व्यक्ति की या प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। तो इन धमकियों को लेकर अनेक अपराध आईपीसी में बताए गए। सबसे पहला अपराध यदि प्रॉपर्टी को लेकर धमकी, नॉर्मली ज्यादा प्रॉपर्टी रुपए पैसे को लेकर होती है, तो इसे एक्सटॉर्शन कहा जाता है। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है ब्लैकमेल करना, सामान्य भाषा में से ब्लैकमेल कहते हैं, हिंदी में से उद्दापन कहा जाता है। 3 साल की सजा है, एफआईआर दर्ज होती है अंडर सेक्शन 384, 384 में पुलिस द्वारा एफआईआर इसमें दर्ज की जाती है, 3 साल की सजा होती है। तो अगर यदि कोई व्यक्ति थ्रेटनिंग करता है प्रॉपर्टी को लेकर तो एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसके अलावा यूं ही सामान्य धमकी देना भी अपराध है, इसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन बोलते हैं, 506 में इसको भी पनिशेबल रखा गया है। अब इसके लिए अनेक लीगल प्रोविजंस हैं, तो इन लीगल प्रोविजंस से अवगत कराने का आज का ये वीडियो लेक्चर है। सबसे पहले इमीडिएट स्टेप यदि हमको रिक्वायर्ड है, यदि इतना समय नहीं है कि हम पुलिस ऑफिसर्स से मदद ले सकें, हमारे पास इतना समय नहीं है, कोई व्यक्ति इमीडिएटली आपके पास कुछ थ्रेटनिंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड दी हेल्पलाइन नंबर्स, गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किए हैं। 1091 इज फॉर दी विमेन हेल्पलाइन, महिलाओं के लिए तो स्पेशल एक नंबर है। यदि महिलाओं को विभिन्न प्रकार की, चूंकि महिलाएं जो रहती है वो आसान टारगेट होती है, तो महिलाओं के लिए 1091 एक हेल्पलाइन नंबर है इमीडिएट रिलीफ मिलने के लिए, और 100 इज द कॉमन नंबर, वी कैन सीक दी पुलिस प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस नंबर। तो दीज आर दी फॉर दी इमीडिएट हेल्प। इसके अलावा वी शुड गो टू दी पुलिस स्टेशन, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हमें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अंडर सेक्शन 506, 506 के अंतर्गत नामजद रिपोर्ट होती है। यदि आपको पता है कि कौन व्यक्ति आपको धमका रहा है, डरा रहा है, तो उसकी नामजद रिपोर्ट जो होती है वो 506 में होती है,
और एफआईआर में क्या एलिमेंट जरूरी हैं वो मैंने आपको पुराने लेक्चर में क्लियर बताया था कि एफआईआर प्रभावी तरीके से दर्ज तब हो पाएगी जब उसमें विशिष्ट बातों का समावेश होना चाहिए। उस वीडियो लेक्चर के अलावा मैं यहां पर फिर से बता दूं कि घटना का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, घटना की दिनांक, घटना का समय स्पष्ट विवरण होना चाहिए। यदि किसी ने घटना देखी तो उस व्यक्ति का नाम भी उसमें एप्लीकेशन में होना चाहिए। यदि ये सारी बातें हैं तो एफआईआर जरूर दर्ज होगी। उसके बावजूद भी यदि पुलिस रिफ्यूज करती है एफआईआर दर्ज करने के लिए तो उस एरिया के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या आईजी को आप रिटर्न में दे सकते हैं, और उसके बावजूद भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आपके पास एक और चारा है, वो है प्राइवेट कंप्लेंट। उस प्राइवेट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होगी और ये एक रिलीफ दिलवाती है। अब इस प्रकार से यदि हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो हमारा बहुत लाभ होता है। किस प्रकार से? सबसे पहले वो ही विल नॉट ट्राई टू रिपीट द ऑफेंस। ऐसा व्यक्ति रिपीट नहीं करता है ऑफेंस करने के लिए। यदि आप एक्शन नहीं लेंगे देन ही विल ट्राई टू रिपीट दैट ऑफेंस अगेन। नॉट ओनली दिस, आपके अलावा वो दूसरे एलिमेंट्स यानी समाज के दूसरे लोगों को भी वो तंग परेशान करेगा। इसीलिए यू शुड टेक स्टेप। अगर आप एक्शन लेंगे तो वो डिस्करेज होगा। ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स डिस्करेज होते हैं। इसके अलावा कई बार अनोनिमस जिसे हम कहते हैं अज्ञात फोन कॉल से कोई व्यक्ति थ्रेटनिंग करता है, यानी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर यदि कोई व्यक्ति थ्रेटनिंग करता है तो 507 में उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है, और यह 507 में होती है क्योंकि आपको उसका नाम नहीं पता है। तो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अनुसंधान करती है, और उसके बाद जब व्यक्ति का पता चलता है तो वो नामजद में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों कानूनी प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी लीगल प्रोविजंस हैं, अन्य कानूनी उपाय भी हैं। 506 के अंतर्गत जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा 2 साल की सजा होती है, ऐसे व्यक्ति ने जिसने धमकाया है उसे 2 वर्ष की सजा होगी, और जो व्यक्ति गंभीर चोट और मृत्यु, जान से मारने की धमकी या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी दे रहा है तो उसे तो 7 वर्ष का पनिशमेंट होता है। अलावा इसके अलावा भी एक नया जो दिल्ली गैंगरेप हुआ था 2013 में, जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें 354D इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द आईपीसी। 354D में महिलाएं जो हैं स्टॉकिंग का एक नया अपराध, जो पीछा करना, जो व्यक्ति थ्रेट नहीं कर रहा है सिर्फ पीछा भी कर रहा है तो वो भी एक प्रकार का अपराध माना गया है। और ये पीछा करना फिजिकली ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे भी कोई व्यक्ति फॉलो करता है किसी महिला को तो उसके लिए भी 354D के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो मित्रों, कभी भी किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल या एंटी सोशल एलिमेंट यदि डराता है, धमकाता है तो उसके खिलाफ जरूर एक्शन लें। और यदि आप एक्शन नहीं लेते हैं, आपकी इस निष्क्रियता की वजह से ऐसे एलिमेंट्स तेजी से बढ़ेंगे और ये समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होंगे। सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई थिंक यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।